तो क्या आपको पता है जो अंगूरी भाभी है, जो भाभी जी घर पर काम करती है, उनके साथ भी स्कैम हो रखा है। और आपको पता भी नहीं होंगे गाइस कि किस किस टाइप के न्यू स्कैमर आ गए हैं हमारे देश योर इलेक्ट्रिसिटी पावर विल बी डिस्कनेक्टेड, यानी आपको पहले डराते हैं कि आपका बिजली का कनेक्शन आज शाम 6:30 बजे से काट दिया जाएगा, फिर लोग डर जाते हैं और फौरन यहां पर क्लिक कर तो। देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं इसी बारे में बात करूंगा किस किस टाइप के स्कैम हमारे देश में आजकल चल रहे हैं और ये कैसे बढ़ते जा रहे हैं दिन पे दिन, और लोग इन पे ध्यान क्यों नहीं देते। और मैं इन पे कुछ बताऊंगा भी आपको, जिससे आपको पता रहे कि वो स्कैम कर रहा है बंदा आपके साथ या नहीं कर रहा। तो पहला स्कैम हम आते हैं जैसे कि बिजली बिल। कई सारे फ्रॉड बंदे होते हैं जो अननोन नंबर से बिजली बिल का जो नंबर होता है वो ऑफिशियल नंबर होता है, बेसिकली उसमें BSES से करके मैसेज आता है, लेकिन जो अनऑफिशियल नंबर होता है उसमें कोई भी नहीं आता है, खाली एक नंबर आता है और लिखा जाता है उसमें, ये लिख कर आता है कि आपने अपना बिजली का बिल नहीं भरा है, और अगर आपने अपनी बिजली का बिल नहीं भरा तो हम आज रात को आपकी बिजली काट दें। और इसी बहाने लोग डर जाते हैं तो बिजली का बिल उन्हें फोन करते हैं बकायदा, फिर भर भी देते हैं, पता नहीं क्यों, मेरे को तो समझ में नहीं आता लोग कैसे मान लेते हैं इनकी। नहीं तो आप खुद ही सोचो, आज तक बिजली के बिल वालों ने आपको एक भी मैसेज भेजा है, वो तो आते हैं सीधा काट के मीटर ले जाते हैं। और आप विश्वास नहीं मानोगे, इससे हमारी जो भाभी जी घर पर काम करती है ना, अंगूरी भाभी का जो रोल करती है, उनके साथ भी फ्रॉड हो रखा है ऐसे ही करके। पेमेंट भी मुझसे करने को कहा कि कुछ 50 पैसे का प्रॉब्लम हो गया है, बट हम अभी अभी हम ऑनलाइन हैं तो हम अभी आपको रिफंड कर देंगे। ऐसे ओके, जब वो मैंने किया तो फिर 3-4 मेरे ट्रांजेक्शन्स हुए और मेरे अकाउंट से पैसा गया ऐसे ही ऑब्वियसली। नहीं जाने कितने अमीर लोगों को कर रखा है, लगभग करोड़ों रुपए का नुकसान हो रखा है लोगों का इस फ्रॉड में, और अब जाके पुलिस ने इनको पकड़ना चालू किया है। और मेरे को तो कई बार लगता है कि इनमें कोई अंदर का बंदा ही शामिल होता है इनके बिजली के बिल वालों का, क्योंकि आप ही सोचो, आपका नंबर खाली उस बिल वाले के पास है और एक आपको पता है कि आपका नंबर उनके पास, ये तीसरा बंदा आया कहाँ से बीच में। बेसिकली हमारे सिस्टम में ही खोट है दोस्तों, बच के रहना तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तो हरामीपंती करेंगे ही। तो मैं कुछ आपको हिंट दे देता हूं कि आप कैसे इनसे बचकर रह सकते हैं। आप पहली बात तो ये देखें कि अगर बिजली के बिल वाला आपको मैसेज करेगा तो वो एक ऑफिशियल नंबर से करेगा जिसमें आपको नंबर नहीं दिखाई देगा, 4-5 कुछ अल्फाबेट्स दिखाई देते हैं। और ये लोग जो होते हैं स्कैमर, ये भाड़े के टट्टू, इनको आप देखना हमेशा नंबर से ही मैसेज करते हैं और फोन भी करते हैं बकायदा, वो तो कभी फोन करता ही नहीं, आता है काट के ले जाता और है। दूसरा ये हिंट ये है कि ये लोग मैसेजेस में कई टाइप की मिस्टेक करते हैं, चाहे ग्रामेटिकल मिस्टेक हो या फिर अल्फाबेटिकल मिस्टेक हो, इनको इतना लिखना भी नहीं आता फिर भी देखो लाखों करोड़ रुपए का स्कैम कर देते हैं ये लोग हम लोगों जैसे। और तीसरा कोई हिंट तो नहीं है लेकिन एक एडवाइस जरूर है कि अगर आपको लगे कि वो स्कैमर है तो उसको इतना सुनाइए कि वो और किसी को फोन न कर पाए।